और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है ब्लैक स्नेक मून। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना और उसके बाद ही लाइक या डिसलाइक करना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ब्लैक स्नेक मून 2006 में रिलीज़ हुई एक डार्क ड्रामा मूवी है जिसकी स्टार्टिंग में हम एक कपल रे और उसके बॉयफ्रेंड रोनी को देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में ही बहुत ही पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। और इसका एक कारण ये भी था कि रोनी आर्मी सर्विसेज में था और अगले दिन उसे अपनी ड्यूटी करने के लिए जाना था। रे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत प्रोटेक्टिंग था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई उसके गर्लफ्रेंड के साथ में इंटीमेट हो या फिर और कुछ करे। अब अगले दिन रोनी अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहा था लेकिन रे इससे खुश नहीं थी, और तभी रोनी को अचानक पैनिक अटैक आता है और रे फिर उसे आराम दिलाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रोनी को अक्सर पैनिक अटैक आया करते हैं। अब अगले सीन में रोनी अपनी ड्यूटी करने के लिए निकल रहा था और वो रे से कहता है कि वो अपनी आंटी के घर चली जाए, लेकिन वो वहाँ पर जाने से मना कर देती है और वहीं पर रोने लगती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि रोनी उसे छोड़कर जाए। फिर रोनी उसे शांत करता है और उसे अपनी ही जैसी मैचिंग घड़ी देता है और कहता है कि जब भी घड़ी बीप करेगी वो दोनों अकेला महसूस नहीं करेंगे। जिसके बाद में रोनी रे को एक किस करके चला जाता है। रोनी के जाने के बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि रे सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी और इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अपनी इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए एक दूसरे आदमी के साथ में इंटीमेट होती है और ये आदमी उसके साथ में इंटीमेट होने के बाद में उसे सड़क पर छोड़कर चला जाता है। फिर रे जब उठकर आगे जाती है तो उसे अपनी माँ रास्ते में मिलती है और उसे टोकती है क्योंकि उसकी माँ को रे की हालत और सेक्स एडिक्शन के बारे में पता था। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और इधर हम लजारस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पहले एक गिटारिस्ट था लेकिन अब अपना खेत संभालता है। लजारस अपने फ्रेंड को बताता है कि उसने कभी अपनी पत्नी को नहीं पीटा और ना ही कभी उसे सताया, फिर भी वो उससे डिवोर्स लेने की मांग कर रही है क्योंकि उसकी वाइफ का उसके ही भाई से अफेयर चल रहा था। लजारस अपनी वाइफ से आखिरी बार रेस्टोरेंट में मिलने जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसका मजाक उड़ाती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे कि उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने घर आता है और अपने पुराने पलों को याद करता है। वो अपने घर में एक रोज़ गार्डन देखता है जो कि उसकी वाइफ ने बनाया था, जिसे वह अपने ट्रक से कुचल देता है। अब दुखी लजारस एक पब में आकर बैठता है जहाँ पर एक औरत आकर उसे सेड्यूस करती है और वो उसे अपने घर पर भी इन्वाइट करती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उसे धमकी देता है, जिसे लजारस वहीं पर सबक सिखा देता है। सीन अब फिर से रे पर आता है जो कि एक पार्टी में थी और ड्रग्स ले रही थी और नशे की हालत में वो दूसरे आदमियों के साथ में इंटीमेट भी हो रही थी। तभी रोनी की दी हुई घड़ी बीप करती है लेकिन उसे रोनी की कोई भी परवाह नहीं थी, वो बस रोनी को चीट कर रही थी। रे पार्टी के बाद में वहीं पर सो जाती है और उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रोनी का फ्रेंड रे को वहाँ से अपनी कार में ले जाता है और वो अपनी कार में ही उसका फ़ायदा उठाने की सोचता है, लेकिन रे उसे ये कह देती है कि उसकी ताकत रोनी से आधी भी नहीं है, जिससे कि रोनी के फ्रेंड को उस पर बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे रे को अपनी कार से मरने के लिए बाहर फेंक देता है। इधर अगली सुबह लजारस अपनी वाइफ के कपड़े कचरे में फेंक रहा था और तभी उसे सड़क पर रे पड़ी हुई मिलती है जिसके शरीर पर चोट के निशान थे और वो बहुत ज़्यादा घायल थी। लजारस उसे अपने घर पर ले आता है और फिर जब रे को होश आता है तो लजारस को वही आदमी समझती है जिसके साथ में वो पिछली रात को सोई थी और फिर से उसके साथ में इंटीमेट होने को बोल रही थी। लेकिन लजारस एक बहुत ही अच्छा आदमी था, वो उसे बताता है कि वो कोई और आदमी है, जिसके बाद में वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। और मेडिकल शॉप की ओनर लजारस को पसंद करती थी और वो लजारस से मेडिसिन के पैसे भी नहीं लेती है। यहाँ पर रे सपना देखती है कि कोई आदमी उसके पास आ रहा है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने में लजारस वहाँ पर आ जाता है और उसे नींद से जगाता है। वो नींद से जागते ही रे लजारस को ही किस करने लगती है, लेकिन लजारस खुद को उससे छुड़ा कर बाहर निकल जाता है और वह सोचता है कि वह किस पागल लड़की को अपने घर पर ले आया है। उसे लगता है कि रे को बड़ी गर्मी चढ़ी हुई है और वह उसकी गर्मी उतारने के लिए कुछ सोचता है। वो वापस अपने घर में जाकर फ्रिज में से बर्फ़ लाता है और उसे बाथटब में डालकर रे को उस बर्फीले बाथटब में लेटा देता है। और रे बार बार टायरन का नाम ले रही थी और ये वही टायरन था जिसने रोनी के जाने के बाद में रे के साथ में सेक्स किया था। लजारस टायरन को ढूंढता है और उसके घर पर पहुंचता है।
जहाँ पर टायरन उसे बताता है कि रे एक सेक्स एडिक्ट है। और इधर लजारस के घर पर रे लजारस के घर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भागने से पहले ही लजारस उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर वो वापस उसे अपने घर में ले आता है, जहाँ पर रे उसके साथ में इंटीमेट होने को बोलती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो उसे बिस्तर से ही बांधने की सोचता है क्योंकि वो ये चाहता था कि वो रे को ठीक कर पाए, और इसीलिए वो स्टोर रूम में से मोटी सी चेन लेने के लिए चला जाता है। फिर अगले सुबह जब रे की नींद खुलती है तो लजारस से पूछती है कि वो कब से यहाँ पर है, क्योंकि रे धीरे धीरे नशे में से बाहर आ रही थी और वो अब अपने पूरे होशोहवास में थी। लजारस उसे बताता है कि वो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से है, और जब वो उससे मिली थी तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर रे लजारस से उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, और ये भी कहती है कि उसके पास में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस पर लजारस जवाब देता है कि उसे उसकी मदद के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। फिर रे वहाँ से जाने की सोचती है, लेकिन जब वो अपना कंबल हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक मोटी सी चेन से बंधी हुई है। इससे गुस्से में रे लजारस पर बहुत चिल्लाती है, और लजारस उससे कहता है कि उसने उसे छुआ तक नहीं है, बल्कि उसने तो बस उसके घाव ठीक किए हैं। रे का कहना था कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और यहाँ से जाना चाहती है, और वो उसे छोड़ देने के लिए भीख मांग रही थी। लेकिन लजारस का कहना था कि वो फिर से आज़ाद होकर किसी न किसी के साथ में इंटीमेट होगी, और रे का फिर से यही हाल होगा। रे भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चेन बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, वो नहीं भाग पाती। और अब लजारस उसके लिए खाना बनाता है और उसे खाने के लिए ऑफर करता है, और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रे कई बार लजारस को सेड्यूस करती है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन वो रे के इस झांसे में नहीं आता है। फिर एक दिन हम ये देखते हैं कि रे सोफे पर बैठकर लजारस को कहती है कि वो उसकी हॉटनेस से उसे बर्बाद कर देगी, लेकिन लजारस उसका कोई भी जवाब नहीं देता, और वो उसके लिए ढंग के कपड़े लेने के लिए मार्केट चला जाता है, जिसके बाद में रे यहाँ पर अंदर भागने की कोशिश करती है। फिर लजारस के जाते ही उसके खेत में काम करने वाला एक टीनेज लड़का उसे बुलाने उसके घर पर आता है। उससे वहाँ पर लजारस नहीं मिलता, लेकिन उसे रे वहाँ पर दिख जाती है जो कि बंधी हुई थी। वो लड़का जैसे ही घर में आता है, रे उस पर टूट पड़ती है और अपने कपड़े उतार कर उस लड़के के साथ में इंटीमेट हो जाती है। अब लजारस जब अपने घर पर वापस आता है तो दोनों को एक साथ पाता है, और इससे गुस्से में आकर वो उस लड़के को घर से भगा देता है। लेकिन लजारस को भी पता था कि उस लड़के की कोई गलती नहीं है, बल्कि रे ही जबरदस्ती उसके साथ में इंटीमेट हुई होगी। अब एक दिन हम देखते हैं कि लजारस का एक फ्रेंड उसके घर में आया था, और लजारस उसे घर में नहीं जाने दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि रे उसे भी सीड्यूस करने की कोशिश करेगी। लेकिन इमोशनल होकर लजारस उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे सड़क से एक दिन नेकेड लड़की मिली थी। लजारस की यह स्टोरी सुनने के बाद में उसका फ्रेंड भी कन्फ्यूज था, क्योंकि लजारस अगर चाहता तो वो रोज़ उसका मज़ा ले सकता था, लेकिन लजारस उसके इस पागलपन को ठीक करना चाहता था, और इसीलिए लजारस का फ्रेंड भी उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया था। वो घर में देखता है कि रे बिना कपड़ों के बैठी है, लेकिन वो इस बार उसे सीड्यूस नहीं कर रही थी क्योंकि अभी अभी वो उस लड़के के साथ में इंटीमेट हुई थी। अब मूवी रे के बॉयफ्रेंड रोनी पर आ जाती है, जो कि वापस आ गया था। वापस आकर उसे रे कहीं भी नहीं मिलती, और उसका वही फ्रेंड जिसने रे को फेंका था वो उसे बताता है कि शायद रे कहीं पर भाग गई होगी, क्योंकि वो किसी न किसी लड़के के साथ में इंटीमेट होती रहती है, जिससे कि रोनी को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड की बहुत पिटाई करता है। इधर हम देखते हैं कि रे साफ सुथरे कपड़े में थी और लजारस ने उसे खोल दिया था। लजारस उसे भी मॉल ले गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से उसकी माँ से होती है। वो उसकी माँ से मॉल में भी झगड़ा करती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसे सेक्स अडिक्ट बनाने में उसी का हाथ है, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ में कई बार रेप किया था, और उसकी माँ उसे बचाने के बजाय दूसरे रूम में चली जाती थी, और इसी सदमे के कारण वो कभी भी ठीक से अपनी माँ से बात नहीं करती है। उन दोनों की बहस बहुत बढ़ गई थी, और तभी वहाँ पर लजारस आता है और वो रे को उठाकर अपने साथ में फिर से अपने घर ले जाता है। रे को घर लाने के बाद में लजारस रे को गिटार प्ले करना सिखा रहा था, और वो उसे गाना सुनाता है जिस गाने का नाम था ब्लैक स्नेक मोन, और यही इस मूवी का टाइटल भी है। लेकिन तभी वहाँ पर रोनी पहुँच जाता है और लजारस पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि उसका रे के साथ में कोई अफेयर है, जिसके जवाब में लजारस उससे कहता है कि उसने कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड रे को टच भी नहीं किया है। रे की आज जो हालत है वो उसके बचपन में हुई एक गंभीर घटना के कारण हुई है, लेकिन अब रे बहुत बदल चुकी है। रोनी को भी अब रे में बदलाव नज़र आ रहे थे, और इसीलिए वो लजारस से माफ़ी भी मांगता है,
जिसके बाद में हम देखते हैं कि रॉनी और रे दोनों आपस में शादी कर रहे हैं, जहाँ पर लजारस और मेडिसिन स्टोर वाली लेडी दोनों साथ में थे। फिर इस मूवी के आखिरी सीन में हम रोनी और रे को कार में देखते हैं, जहाँ पर रे अजनबी जैसा बिहेव कर रही थी और उसे फिर से सेक्स एडिक्शन हो रहा था। फिर वहीं रोनी को कार में ही पैनिक अटैक आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि रे अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर लेती है और वो उसे कंट्रोल करके रोनी को भी संभाल रही थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी रे नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके बचपन में उसके सौतेले पिता ने ही उसके साथ में रेप किया और उसका असर उसके दिमाग पे ये हुआ कि वो एक सेक्स एडिक्ट बन गई थी। लेकिन लजारस को जब वो मिली तो लजारस ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसकी इस बीमारी को ठीक करने में उसकी मदद की। फिर अंत में देखते हैं कि रे और उसका बॉयफ्रेंड दोनों शादी कर लेते हैं और लजारस को भी अपनी चीट करने वाली वाइफ से छुटकारा मिलता है और वो उस मेडिकल स्टोर वाले से भी शादी कर लेता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।